मेजर सुबेदार सेवानिवृत्त कप्तान ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ये भी जिंदा है। 10 मई 1980 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, ये भी है लाल यूपी के। कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर ये तैनात थे और बंकर में घुस करके ग्रेनेड से हमला करके दुश्मनों का सफाया किया। तो ये याद रखिएगा, मूल रूप से ये बुलंदशहर के हैं। औरंगाबाद स्थित अहीर गांव में योगेंद्र सिंह यादव गाजियाबाद साहिबाबाद लाजपत नगर में फिलहाल रहते हैं, साहिबाबाद के लाजपत नगर में। अब आइए अगले हमारे हीरो, लेफ्टिनेंट कर्नल ए बी तारपोड़े। ये मुंबई से 11 सितंबर 1965 को पूना हॉर्स रेजिमेंट से और चव्वेट की लड़ाई में शियालकोट में फिलोरा पर हमला जो हुआ था उसमें ये शहीद हुए थे। अगले जो हमारे हीरो हैं, जरा उनको भी देख लीजिए, अगले हीरो आपके कौन हैं? अगले हीरो हैं हमारे सूबेदार जोगिंदर सिंह। ये पंजाब के मोगा से बिलोंग किए, भारत चीन युद्ध के समय में थे और चीनी सेना द्वारा आखिरकार बंदी बना लिए गए थे। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, इनको तो आप जानते ही हैं, 25 जून 1975 सीतापुर उत्तर प्रदेश के लाल, कारगिल युद्ध में दिखाया अपना कमाल और गोरखा राइफल्स में ये थे और 24 वर्ष की उम्र में देश के लिए बलिदान हो गए। वर्ष 2003 में उनके किरदार पर एलओसी नाम की मूवी बनी जिसमें अजय देवगन ने इनकी भूमिका निभाई थी। एक और हमारा जो लाल है वो देखिए, 1 जुलाई 1933 का जन्म है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। भारत पाक 1965 का जो युद्ध हुआ था उसके दरमियान ये तरन तारण जिले के खेमकरन सेक्टर में लड़े, अमेरिकन पेटेंट टैंक से लड़े और गन माउंटेड जीप में बैठकर अपने बंदूक के बल पे ही इन्होंने 1-2 नहीं 8 टैंकों को निशाना बनाया और उड़ा दिया हवा में। अंत ये शहीद हो गए, घायल हो गए थे। तो ये है हमारे अब्दुल हामिद, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। तो आपने देखा एक कट कि किस